हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपलीफाइड केमिस्ट्री एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। एंड इसके ऊपर से आज जो टॉपिक बताने जा रहा हूं उसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू के दोस्तों, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, साथ में देखेंगे, साथ में फोड़ेंगे इसको, सॉल्व कर देंगे पूरा, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं शेप्स कैसे डिसाइड करते हैं। कि भाई दो 1s ऑर्बिटल है तो 1s ऑर्बिटल ये रहा, ये 1s ऑर्बिटल ये रहा। अभी अलोंग द एक्सिस उनका क्या एडिटिव ओवरलैपिंग होता है तो ऐसे नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अभी ये अलोंग द एक्सिस हुआ, एडिटिव हुआ एंड प्लस साइन है कंस्ट्रक्टिव हुआ, इसीलिए उसे सिग्मा 1s कहा जाता है। अलोंग द एक्सिस की वजह से सिग्मा एंड प्लस साइन है, इट मींस कंस्ट्रक्टिव है, इसीलिए उसे बीएमओ कहा जाता है। तो ये 1s 1s कंबाइन होके सिग्मा 1s बीएमओ बनाएंगे। इधर आप देख सकते हो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है एंड ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? अराउंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के यहां पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन मिल, इट मीन्स अराउंड यहां पे भी है। तो ये क्या कह सकते हो, आपके सिग्मा 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी का कहां पे है? अराउंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड है। अभी समझ में आया वो पॉइंट? क्लियर। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, माइनस साइन है एंड अलोंग द एक्सिस ही हो रहा है, आपको पता है एस ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस ही आ सकती है, तो एस ऑर्बिटल कभी भी आएगी वो क्या बनाएगी? सिग्मा बनाएगी, सिंपल बात, वो तो कंसेप्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ये कैसे बनता है आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो आप देख सकते हो इधर न्यूक्लियस है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, क्या इस साइड पे है? नहीं है, तो बीच में गैप आ रहा है, तो बीच में दोनों के न्यूक्लियस के बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन होता है। हमेशा याद रखना सिग्मा स्टार 1s कहते हैं इसे। क्यों स्टार? क्योंकि एबीएमओ है डिस्ट्रक्टिव, एंड सिग्मा क्यों? अलोंग द एक्सिस, इसलिए सिग्मा कहा जाता है, इसलिए सिग्मा स्टार 1s कहते हैं। अभी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या अराउंड इसके जैसा अराउंड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस थी? नहीं, उस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से दूर होती है, इससे दूर होती है। आप देखो इससे दूर है, अराउंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं है, इसके आजू बाजू नहीं है, इससे दूर है। इसीलिए मैंने लिखा कि एबीएमओ के अंदर इंटर न्यूक्लियर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के दूर होती है, ठीक है। इन शॉर्ट दो 1s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती है एंड दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करती है, एक को हम कहते हैं सिग्मा 1s, एक को हम कहते हैं सिग्मा स्टार 1s। एंड सिग्मा स्टार 1s के पास कितने नोडल प्लेन होते हैं दोस्तों? तो इसके पास एक नोडल प्लेन उसके अंदर होता है। बहुत ईजी है, आइए ऐसे ही हम देखते हैं। जब कोई दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप होती है तो क्या होता है, ठीक है। पी ऑर्बिटल ओवरलैप होती है तब क्या होता है? एस और पी भी यही होगा, ठीक है। आपको पता ही है एस और पी होगा या पी क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता ही है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं कि दो पी ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है, टू पी ऑर्बिटल, तो एक भी चलो एक 2p+2p ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, समझना। तो ये 2p ऑर्बिटल मैंने ऐसे बता दिया, ओके, इसको 2pz लेते हैं हम। चलो ये माइनस है, इधर प्लस है। अभी इधर दूसरा 2pz ले लेते हैं दोस्तों, इधर क्या आएगा? इधर प्लस माइनस, तो ये भी 2pz आया। अभी दो पॉसिबिलिटी, चलिए इसका इसके बीच में प्लस साइन डाल दिया, प्लस साइन डाल दिया मीन्स कंस्ट्रक्टिव, प्लस साइन डाल दिया। देखिए अभी एक दूसरा 2pz भी इधर ले लेते हैं, इधर भी 2pz ले लेते हैं, इधर माइनस साइन डाल देते, तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव हो गया, ये क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव, ओके। इट मीन्स ये तो पता चल गया ये बीएमओ बनाएगा, ये एबीएमओ बनाएगा, और उसका शेप कैसा होगा, उसका अरेंजमेंट कैसा होगा? तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, देखना ऐसा कुछ, ओके, अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। चलिए मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाऊं, ड्रॉइंग बहुत ही बढ़िया है मेरा, ओके। तो ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है। इधर प्लस होता है, ये न्यूक्लियस एक का इधर आ गया, एक का न्यूक्लियस इधर आ गया, समझ रहे हो? अभी ये आप देखो अलोंग द एक्सिस ही हो रहा है,
ओके तो ये क्या होगा, सिग्मा बनेगा, सिग्मा टू पी जेड कहेंगे इसे। अभी ये स्टार आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बीएमओ ही बनेगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, प्लस है, तो ये याद रखना पड़ेगा। अभी आप देखिए इसके अंदर कोई नोडल प्लेन बन रहा है, इसके अंदर कोई नोडल प्लेन बन रहा है, यस। ये वाला जो जगह है यहां पे भी और यहां पे, तो इसके अंदर कितने नोडल प्लेन है, टू नोडल प्लेन्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये पूछते हैं कि सिग्मा टू पी जेड के अंदर कितने नोडल प्लेन होते हैं, तो याद रखना सिग्मा टू पी जेड के अंदर दो नोडल प्लेन होते हैं। बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिग्मा टू पी जेड के पास दो नोडल प्लेन होते हैं, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, ओके, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जब होता है तब जाके कैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो चलिए मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ओके। तो आप देख सकते हो एक ये नोडल प्लेन आया, एक ये नोडल प्लेन आया के बीच वाला, तो कितने नोडल प्लेन, ये क्या बनेगा, अभी देखिए ये डिस्ट्रक्टिव है तो सिग्मा स्टार एमओ बनेगा, सिग्मा स्टार टू पी जेड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर कितने नोडल प्लेन होंगे, तीन, थ्री नोडल प्लेन्स। दोस्तों ये पूछते हैं ये कैसे आए, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कितने नोडल प्लेन्स होते हैं, थ्री नोडल प्लेन होते हैं। इन शॉर्ट उन्होंने ये बताया कि जब टू पी जेड के साथ ओवरलैप होती है तो दो बनाती है, सिग्मा टू पी जेड बनाती है एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड बनाती है। क्या बनाती है, सिग्मा टू पी जेड एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड बनाती है। तो अलोंग द एक्सिस ऐसे होता है ओवरलैपिंग, क्लियर, समझ में आ गया आपको। पूछते हैं क्वेश्चन तो इसे याद रखना है, इसे समझना बहुत ध्यान से, क्लियर, ओके, डन। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे हाँ, तो आप हमेशा याद रखना, ओके। चलिए अभी हम बात करते हैं पीएक्स पीवाई, तो पीएक्स पीवाई तो कैसे साइड वाइज ही हो सकते हैं, क्यों साइड वाइज सर, तो मैं बताता हूं आपको, यार टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो चलो मान लो ऐसे हमने px को ले लिया, एक ये दूसरा px आ गया, दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, चलो मान लो इसे 2py कंसीडर करते, x ही कंसीडर करते हैं, 2px 2px, तो ये कंस्ट्रक्टिव होगा, प्लस है तो ये तो mo ही बनाने वाला है, क्या बनाने वाला है, mo, तो इधर क्या होगा, ऐसा कुछ बनता है, देखिए इधर इधर प्लस इधर माइनस, ओके, क्या बनता है, प्लस और माइनस, क्लियर, ओके। तो ये क्या बनेगा, इसके अंदर नोडल प्लेन, नोडल प्लेन कितने होंगे, इसके अंदर एक नोडल प्लेन होगा, ओके, एक नोडल प्लेन। इसका नाम कैसे देंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो क्या बना रहा है अभी, पाई बना रहा है, पाई, एंड ये है तो बीएमओ, तो पाई टू पी टू पी एक्स, ओके, अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, ओके, मैं साइन वाइन भी आप जो देख लेना, ठीक है, अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो ऐसा बनता है, ये एक एक्सिस है, ये ऐसा बनता है, क्लियर, ओके। तो आप देख सकते हो कितने नोडल प्लेन, पहले तो चलो नाम बताओ, साइड वाइज आया तो पाई आ गया, डिस्ट्रक्टिव है तो पाई स्टार आ गया, पाई स्टार टू पी जेड, ए बी एमओ बनाएगा, ठीक है, ओके, डन। तो इधर क्या आएगा, प्लस माइनस, इसमें कितने नोडल प्लेन है दोस्तों, इसमें कितने नोडल प्लेन है, तो एक नोडल प्लेन ये वाला आ गया, एक नोडल प्लेन ये वाला आ गया, इसमें तो एक ही था, तो इसके अंदर दो नोडल प्लेन है। आपको पूछते हैं क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना, पाई स्टार टू पी एक्स, मैंने जेड लिखा, एक्स एक्स एक्स, क्लियर, तो ये भी क्या था, टू पी एक्स, तो पाई स्टार टू पी एक्स के अंदर दो नोडल प्लेन होते हैं एंड पाई टू पी एक्स के अंदर एक नोडल प्लेन होता है, क्लियर। वाई का भी ऐसा ही होता है तो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही होता है तो आप कंसीडर कर लेना ऐसे ही, डन। तो ये हो गए उसके शेप और नोडल प्लेन के बारे में, ओके, क्लियर। तो पाई टू पी एक्स के पास एक नोडल प्लेन होता है एंड पाई स्टार टू पी एक्स के पास दो नोडल प्लेन्स होते हैं। तो दोस्तों ये हो गए इसके फॉर्मेशन के बारे में, तो ये पूरा वीडियो था इसके फॉर्मेशन के बारे में, तो आप सब कुछ समझ गए होंगे, बहुत ही बढ़िया सा वीडियो था एंड उसके अंदर नोडल प्लेन के क्वेश्चंस आते ही है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस तो सिग्मा बनाएगा, साइड वाइज तो पाई बनाएगा, अगर प्लस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो आपको पता है कि बीएमओ बनाएगा, एंड माइनस साइन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एबीएमओ बनाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो ये था इसके बारे में, यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी
का पूरा कंसेप्ट खत्म हो रहा है दोस्तों। पूरा सीरीज मैंने चलाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 1, 2, 3, 4 क्लियर, तो पूरा यहां पे खत्म हो रहा है। अभी इसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, क्या देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देखेंगे एंड बेसिक इंफॉर्मेशन बॉन्ड ऑर्डर और वो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर, तो होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। आपको सच में मजा आया हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमें पूरा सीरीज में मजा आ गया, हमने देख लिया, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्योंकि योर कमेंट्स आर द मोटिवेशन फॉर अस। क्लियर, आप जो कमेंट करते हो मेरे लिए मोटिवेशन है, इट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ मेरे बच्चे समझ रहे हैं, उनको पता चल रहा है, उनको मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में। ठीक है, तो इसलिए प्लीज कमेंट करना ना भूलिए एंड प्लीज लाइक करना मेरी चैनल को, शेयर करना ये वीडियो को जो लोग को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है उनको, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड कंसर्न, थैंक यू।